टेलीस्कोप के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसके सहारे हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट जैसे स्टार, प्लेनेट, मून आदि को हम लोग देखते हैं। टेलीस्कोप दो प्रकार का होता है, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग मतलब अपवर्तक दूरबीन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दूसरा होता है, इसका मतलब है परावर्तक दूरबीन। तो अपवर्तक दूरबीन में केवल लेंस लगा रहता है और परावर्तक दूरबीन में लेंस और दर्पण दोनों लगा रहता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप परावर्तक दूरबीन जो होता है जिसमें कि लेंस और मिरर दोनों लगा रहता है, वह अपवर्तक दूरबीन से अधिक तीव्रता का, अधिक उसकी इंटेंसिटी होती है, वैसे प्रतिबिंब बनाता है। यानी परावर्तक दूरबीन में बनने वाले प्रतिबिंब जो होती है वह बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। अपवर्तक दूरबीन तीन प्रकार के होते हैं, एक खगोलीय दूरबीन होता है, एक टेरिस्टेरियल होता है, एक गैलीलियो दूरबीन होता है। अब हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे।